माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मेट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को, और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम स्केड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है पीपीए ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है, चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो चलिए आज का कुछ महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चंस किया जाए आपका। सो पहला सवाल ये जो है आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका है, और ये मैं बहुत पहले आपको पेड कोर्स वाले प्रीवियस ईयर्स में जाइएगा 2006 से 10 के बीच में, आपको मैंने डिटेल में करा रखा है। तो वो जाके आप लोग प्रीवियस ईयर जीके का जो पेड कोर्स में डाले हैं उसको अच्छा से देखिएगा, वहाँ पे डिटेल में मैंने ये चीज़ करा रखा आपको एक एक चीज़। तो ये आपका प्रीवियस ईयर्स के आधारित पे पूछा गया सवाल है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, द होम ऑफ स्क्वेरल इज कॉल्ड, गिलहरियों का घर कहलाता है, डेन, कैनाल, ड्रे या स्टे। सो आपको बताना है कि आपका होम ऑफ स्क्वेरल कौन सा है, डेन, कैनाल, ड्रे और स्टे, ठीक है। सो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ड्रे, ठीक है। ड्रे को हम लोग गिलहरियों का घर भी कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शंस, क्योंकि ये घास फूस से बना हुआ रहता है और पेड़ पे रहता है, ठीक है। डेन किसका है, कैनाल किसका है, स्टे किसका है, जैसे स्टे का मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स में डिटेल में बता रखा पिक का। अब डेन, कैनाल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में करा रखा आपको जो स्टार्टिंग का है, तो ये आपका वहाँ का है, ठीक है। तो ये था आपका पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट फेडरल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड, यानी आपको बतलाना है कि फेडरल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का जो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम आपका जो बजट था फेडरल बजट, वो कब पेश किया गया था, बता दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, सबसे पहला बजट आपका कब पेश किया गया था। सो 1949, 1948, 1947 या 1950, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब किया गया था आपका प्रेजेंट, करेक्ट उत्तर मुझे चाहिए, ठीक है, कब किया गया था आपको प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी बताइए, ट्राई तो कीजिए। सो आपका 1947 में आपका सबसे पहला फेडरल बजट को आपका किया गया था, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन इंच इज इक्वल टू, ये क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित है और रिपीटिव क्वेश्चंस है, तो ये आपको मैंने प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार करा रखा और इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आते रहता है, तो ये वीवीआई है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जीके के वीवीआई हैं, करंट अफेयर्स वाले छोड़ के। तो एक इंच बराबर कितना होता है, 0.8 सेंटीमीटर, 25.4 मिलीमीटर, 36.2 मिलीमीटर या 0.2 मीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वन इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 2.54 जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25.4 मिलीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, तो देख सकते हो कितना ईजी था ये, था कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में चला जाए, और ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, एक फीट बराबर कितना होता है, ये सब आपको बहुत मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है पूरे अच्छे तरीके से, होमवर्क है, ठीक है, जितने भी कॉमन यूनिट्स हैं मेजर्स के या वेट के, वॉल्यूम के, ये सब आने चाहिए, ठीक है। ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने स्मार्टफोन आपका स्मार्ट है,
आप भी स्मार्ट बनो, कैलकुलेटर खोलो, वहाँ पे तीन ऑप्शंस रहता है। एक आपका यूनिट कन्वर्जन रहेगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर से सारा वॉल्यूम आपको सब रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डॉलर का भी कन्वर्जन का रहता है सब, आपका करेंसी कन्वर्जन, तो कैलकुलेटर में ही आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए मेरे प्रिय सोल्जर्स, पीपीआई के आर्मी। चलिए वी विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, सर पीसी रॉय थे क्या एक केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री, बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्री, भौतिक शास्त्री यानी फिजिसिस्ट, या डी आपका फिलोसोफर, क्या थे, दार्शनिक। सो आपका फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पीसी रॉय का, प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के आपके जो महान रसायन शास्त्र थे, केमिस्ट थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 74 का ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच गुरु वॉज ऑर्डर टू बी किल्ड बाई औरंगजेब, हिस्ट्री से सवाल है, किस गुरु को औरंगजेब के ने मारने डालने का हुक्म दिया, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय। सबसे पहले कितने गुरु थे सिख धर्म में, ये आपको पता होना चाहिए, एक एक, ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है, सारे गुरुओं का आपको नाम पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से कौन थे प्रमुख, फिर लास्ट कौन थे। ठीक है, सो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डालने का हुक्म दिया था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया, और होमवर्क याद रखना, ये मैं चेक करूंगा सबसे। ठीक है, कितने गुरु थे सब आपको एक बाई लिस्ट बाई लिस्ट, उनके बाद कौन आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच अफगान लीडर ऑफ बिहार डिफिटेड हुमायूं, बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया, बाबन शाह, दाऊद शाह, अबू फैजल, शेर शाह सूरी। ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी, सासाराम में यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतास में इनका मकबरा भी है। ठीक है, पानी के बीचों बीच। ठीक है, सो ये शेर शाह सूरी ने इन्हें हराया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया, युद्ध कब हुआ था आपका, 1539 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो सभी को पता होगा शेर शाह सूरी, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, हु बिकेम द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमिडिएटली आफ्टर हिम, पंडित नेहरू के भारत प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा अलग एकदम उनके बाद उत्तराधिकारी बना, यानी उनके बाद, यानी पंडित नेहरू जी के बाद कौन से उनका उनके बाद कौन आपका बना प्राइम मिनिस्टर। सो मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जी को जस्ट उनके आफ्टर उनको बनाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तीसरा कौन बने, सबको पता है कि चांद पे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबको पता है। सेकंड नंबर पे कौन गया था, ये किसी को नहीं पता, तो सेकंड नंबर पे बज एल्ड्रिन यानी उनके जस्ट आफ्टर कदम रखा गया था, बस एल्ड्रिन। ठीक है, तो आपको सेकंड थर्ड भी पता होना चाहिए। हु बिकम द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1948, यानी आजादी के बाद कौन वॉइस रॉय थे 1948 में, राजा गोपालचारी, माउंटबेटन, नेहरू, लॉर्ड वेवले, कौन थे आपके, बता दीजिए। तो माउंटबेटन थे आपके वॉइस रॉय इंडिया के आजादी के बाद भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सब वीवीआई प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको आगे भी वापस रिपीट होंगे एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ही रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन किया, नेपियर, एडम स्मिथ, मनमोहन सिंह, या आपका डांटे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन, देखिए हर साल आपको एक न एक दो दो क्वेश्चंस ऑथर के ऊपर जरूर मिलेगा, अब इतना सारा बुक्स है कितना याद रखोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए। सो करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी बता दीजिए।
एडम स्मिथ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जाओगे तो आपको एडम स्मिथ का नाम कहीं ना कहीं एमसीक्यू में दिखेगा। अब मैं बता देता हूँ कब दिखेगा, शायद 2017 या 18 वाले प्रीवियस ईयर्स में आपको एडम स्मिथ का नाम दिखेगा एमसीक्यू में। तो एक एक एमसीक्यू को भी डिटेल से अगर करोगे जैसे कराया जाता है आपको पेड कोर्स में, तो आपको छूटेगा नहीं प्रश्न जीके से, ठीक है। सो उसको अच्छे से कीजिएगा। जो भी बच्चे अलग से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यानी बेसिक से अपने क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको पेड कोर्स में जोड़ दिया जाएगा और सारा डिटेल्स भी दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए माय डियर लवली स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अप्रॉक्स आपको मेट एरिया बताना है लक्षद्वीप का इन स्क्वायर किलोमीटर, यानी आपको लक्षद्वीप द्वीपों का लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताना है, यानी स्क्वायर किलोमीटर। तो 32, 140, 14 या 5, आपको बताना है करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर आपको याद रखना होगा 32, ठीक है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो आपको लक्षद्वीप जो आपका यूनियन टेरिटोरी है, इसका आपका कैपिटल कौन सा है, जितने भी आपके यूनियन टेरिटोरीज हैं सारा आपको पेड कोर्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है। तो आप वो वाले वीडियो को यानी 2006 से 2010 के बीच में आपको ये सारा क्वेश्चंस आ रखा है, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड, ये करंट अफेयर्स का था, ठीक है। सो भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था, ठीक है। सो आपको बताना है भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया था, ठीक है। सो आपका पहला है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है गोवा। सो आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा जल्दी बता दीजिए। यस, करेक्ट आंसर आपका केरल। सो केरल में आपका सबसे पहला पाया गया था, ठीक है, साउथ साइड में पहले आया था। द ओल्ड नेम ऑफ इराक वास, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ रखा, मैंने करा भी रखा है। इराक का पुराना नाम क्या था, मानचुकू, आपका मेसोपोटामिया, पर्शिया, वाटविया, क्या था आपका। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका बता दीजिए। यस, मेसोपोटामिया आपका इराक का ओल्ड नेम था आपका, ठीक है। सो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, एक बार यस टाइप कर दीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ ड्रमिंग स्पायर्स, कौन सा जगह को सिटी ऑफ ड्रमिंग स्पायर्स के नाम से जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड, ढाका, दिल्ली, न्यूयॉर्क, जल्दी बताइए कमेंट्स करके कि आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, करेक्ट बताइए क्या होगा आपका। सो आपका करेक्ट होगा ऑक्सफोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उत्तर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश का सर्वाधिक पड़ोसी देश है, बहुत ही अच्छा वीवीआई, और ये कौन बढ़ेगा करोड़पति में भी आपका पूछा गया है, ठीक है। सो भारत, ब्राजील, चीन या यूएसए। सो ये आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा चीन का सबसे ज़्यादा आपका पड़ोसी देश है और कितना है टोटल 14, कौन कौन सा, भारत, अपना मंगोलिया, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है। ये सारे आपके 14 चीन के हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अब इंडिया के कितने आपके पड़ोसी देश हैं, होमवर्क है बता दीजिएगा। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, कितने पड़ोसी देश हैं, सब आपका होमवर्क है, आपको बताना है, ठीक है। और ये सब आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पेड कोर्स वाले जो आपके फोल्डर में है ऐप पे आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु गॉट द मैग्सेसे अवार्ड इन 2019। मैग्सेसे अवार्ड पे आपको ये दूसरा या तीसरा बार क्वेश्चंस दिखा गया, तो 2019 में किसे दिया गया था, प्रणव रॉय, रवीश कुमार, बरखा दत्त या किरण बेदी। तो रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए आपको दिया गया था, जर्नलिज्म के लिए, ये सभी कोई जानते हैं, एनडीटीवी के हैं,
ठीक है, अपने बिहार के, क्या बोलते हैं उनको, रविश कुमार, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द एनार्की, हाल ही में प्रकाशित पुस्तिका द एनार्की के लेखक कौन है? प्रताप भानु मेहता, शशि थरूर, थेरी पेपल या मार्क तुली, कौन है आपके, जल्दी बता दीजिए। तो डेरी मेपल आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिनका जिनका सी ऑप्शन था, वेरी गुड है उनको। तो जल्दी से कमेंट्स लाइक और शेयर कर दीजिए, और लाइक फटाफट कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और डेली लाइव क्लासेस होते हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीपीआई ट्यूटोरियल बस लिखिएगा, आपको चैनल आ जाएगा, ठीक है। बस आप पीपीआई ट्यूटोरियल लिखिएगा टेलीग्राम पे, और चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारा क्लासेस का आपको टाइम स्केड्यूल, नोट्स, पीडीएफ, और जब आपका फॉर्म रिलीज होगा तो फ्री टेस्ट भी, मॉक टेस्ट वहाँ चलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द सोर्स ऑफ द वर्ड आपका परिहा का आपको बताना है, शब्द परिहा का स्रोत किस भाषा से है, जल्दी बता दीजिए, लैटिन, ग्रीक, तमिल, हिंदी, ये भी आपका एक रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। और इस शब्द का आपको मतलब जल्दी इसे लाइव चैट में करना, देखते कौन फर्स्ट होता है, और होमवर्क भी है अगर नहीं हो पाए तो, जल्दी बता दीजिए, परिहा का आपको बताना है, ठीक है। सो 87 का आपका क्या होगा, सी तमिल। अब इसका मतलब क्या होता है, परी अ का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जो टाइम की कदर करता है फिर टाइम भी उसका कदर करता है, तो सब जल्दी जल्दी करना है, अदर चैनल के जैसा नहीं कि खींच रहे हैं क्वेश्चंस जानबूझ के, ठीक है। सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी क्लास के बाद जो करेगा उसका मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट्स, ठीक है, उसको वेरी गुड भी मिलेगा, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। छपाक फिल्म की नायिका कौन थी? अब जो मूवी वूवी देखता है तो उसके लिए 5 मार्क्स मुफ्त में है, और मूवी से क्वेश्चंस आ ही जाता है। दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर या नीनी गुप्ता। तो छपाक मूवी, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस थी, एसिड अटैक पे ये आपका मूवी बना था, यानी जो महिलाओं पे एसिड फेंक दिया जाता है उसके ऊपर ये आपका चलचित्र यानी सिनेमा बना था, ठीक है। सो मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छे तरीके से एसिड अटैक के बाद किस प्रकार से समाज एसिड अटैक वाली महिलाओं को देखता है, वो भी उससे आपका कुछ सोच में परिवर्तन आएगा, तो उस मूवी को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जमैका का राष्ट्रीय खेल, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर पे आपका आधारित है, ठीक है, हॉकी, जल पोलो, बेसबॉल या क्रिकेट। सो जमैका आपका जो है किनके लिए जाना जाता है, तो शायद हुसैन बोल्ट हैं उनके लिए, और तेज धावक हैं, 100 मीटर का रिकॉर्ड है इनका। सो वहाँ का आपका इससे तो राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ के ओलंपिक में पार्ट लेने वाली एथलीट कौन है, हुसैन बोल्ट, तो उनके ऊपर भी प्रश्न आपका आता जाता रहता है, ठीक है। आज के लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न को करने से पहले जो भी बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को फ्रॉम द पैरामेडिकल क्वालिफाइड टीचर यानी सारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड शिक्षक से, तो आप स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा, और जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ऑफर लिमिटेड समय के लिए, ठीक है। सो लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था, ठीक है। सो प्रथम आपका अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था, ठीक है। सो आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आपका खेला गया था 2005 में, ठीक है। तो 2005 में आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, और ये मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी आपको बता रखा है, ठीक है। T20 हो गया, IPL हो गया, ICC का जो होता है टूर्नामेंट्स कब हुआ था, सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आज का क्लास, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, अदर चैनल्स
मतलब अदर स्टूडेंट्स तक भी पता चलना चाहिए। ऐसे क्लासेस जो आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। एंड आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और पीपीआई ट्यूटोरियल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए फॉर मोर क्वालिटी क्लासेस। वी विल नाउ मीट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑल माई पीपीआई सोल्जर्स, पीपीआई आर्मी। बाय बाय एंड गुड नाइट।